गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक स्किन केयर रेंज का रिव्यू, और ये होने वाला है बॉयज़ के लिए। तो ये है टीज़ हिंडली के स्किन केयर रेंज। तो आज के वीडियो में मैं इन्हीं का रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसा है ये प्रोडक्ट या इसके बारे में सभी बातें, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन टाइम्स मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि इसका जो हॉल वीडियो था मैंने वो आपके साथ शेयर किया था, और साथ ही साथ इसकी जो लिंक है मैंने उस वीडियो में भी शेयर की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, तो मेक श्योर उसे चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं या अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो मैं वो लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से जाके बाय कर सकते हैं या पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं, अब स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। तो मैं इस वीडियो में पूरे स्किन केयर किट का रिव्यू कर रही हूँ, तो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो टाइम लेके उसके बाद इस वीडियो को देखें और इन्जॉय करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फेस वॉश से। तो ये है टीज़ हिंडली का फेस वॉश, डेली फेस वॉश। यहाँ पे मैं एक बात आपके साथ शेयर कर दूँ कि इनके एक प्रोडक्ट का प्राइस कुछ भी नहीं है, ये पूरी किट एक साथ आती है। ये सारी बातें मैंने आपके साथ पहले वीडियो में शेयर की थी। तो ये है फेस वॉश। और अगर बात करें इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट की, तो इसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो पैकेजिंग पे यहाँ पे मेंशन की गई है, और इसमें मुझे कहीं पे भी पैराबेंस नहीं दिख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पैराबेंस हमारे स्किन के लिए अच्छे नहीं होते हैं। और इनकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है, साथ ही साथ आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। अगर बात करें पैकेजिंग की, तो पैकेजिंग मैट ब्लैक पैक है, जो कि आप देख सकते हैं। ट्रेवलिंग के लिए भी ये परफेक्ट है और यूज़ करने में भी काफ़ी हैंडी है, हाइजीनिक है, क्योंकि ट्यूब पैक जो होते हैं वो यूज़ करने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। अब बात करें इस फेस वॉश की, तो इस फेस वॉश को आपको दिन में दो बार यूज़ करना है, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में या नाइट में, आप जैसे यूज़ करते हो। फिलहाल अगर मैं इस फेस वॉश की बात करूँ, इस फेस वॉश के वर्क की बात करूँ, तो फेस वॉश का जो वर्क है वो बहुत अच्छा है। अगर आपके फेस पे टैन की प्रॉब्लम है, लड़कों में ये प्रॉब्लम कॉमन होती है क्योंकि उन्हें बाहर जाना होता है, तो उनके फेस पे टैन होना कंपलसरी होती है या नॉर्मल बात होती है। अगर आपके फेस पे भी टैन है तो आप इस फेस वॉश को ट्राई ज़रूर करें। 2 से 3 दिन में ही आपको अपने फेस में विजिबल डिफरेंस नोटिस हो जाएगा कि हाँ ये फेस वॉश वर्क करता है या नहीं। तो ये तो था हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट, मैं एक एक करके सारे प्रोडक्ट आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है वो है स्क्रब, और अगर इसकी पैकेजिंग की भी बात करूँ तो सेम पैकेजिंग इसकी भी है, प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी डिटेल्स पैकेजिंग पे मेंशन की गई है, जैसे कि इसके जो भी इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो पैकेजिंग पे मेंशन किए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इन्होंने अपनी फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट इस पे मेंशन की है, ये देखिए ये फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आप उस पर देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं। फिलहाल अगर मैं इस स्क्रब की बात करूं तो आपको इसे वीक में 2 बार यूज़ करना है, आप कोई भी दिन डिसाइड कर सकते हैं, उसके बाद आपको इस फेस स्क्रब को यूज़ करना है। अगर मैं इसके स्क्रब पार्टिकल्स की बात करूं तो इसका जो टेक्सचर है वो काफ़ी थिक है, और स्क्रब पार्टिकल्स जो हैं वो काफ़ी नहीं, मीडियम रेंज के आप इन्हें बोल सकते हैं कि मीडियम रेंज है इनके स्क्रब पार्टिकल्स का, जो कि लड़कों के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लड़कों की जो स्किन होती है वो लड़कियों से काफ़ी अलग होती है। तो अगर आप एक अच्छा स्क्रब यूज़ करते हैं जो आपके फेस को बहुत अच्छे से क्लीन कर दे तो बहुत अच्छी बात है। फिलहाल मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि उनकी नोज़ पे ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, या वो अगर उन्हें रिमूव करना चाहें तो उसे कैसे कर सकते हैं। तो आप इस तरह का कोई एक फेस स्क्रब यूज़ करिए जिससे आपके फेस का जो भी ब्लैक हेड वाइट हेड है या फिर डेड स्किन सेल्स है वो रिमूव हो जाए, साथ ही साथ आपके फेस पे एक ग्लो ऐड हो, आपका फेस क्लीन हो, और वो आपके फेस से टैन को भी रिमूव करे। लेकिन स्क्रब जो है उसे आपको वीक में 2 या 1 बार ही यूज़ करना चाहिए, जो कि इनफ होता है किसी के लिए भी, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। तो ये स्क्रब भी बहुत अच्छा है, जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो ये है
PM यहाँ पे आपको लिखा गया है, माने कि ये है नाइट क्रीम और ये है बेड टाइम फेशियल मॉइस्चराइजर। और अगर मैं बात करूँ इसकी इंग्रेडिएंट की, तो इसकी इंग्रेडिएंट भी फुल डिटेल्स पीछे मेंशन की गई है। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आपको इसे कैसे यूज़ करना है, साथ ही साथ वेबसाइट का भी हैंडल यहाँ पे दिया गया है, जहाँ पे आप इसकी पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं या इसके बारे में और भी बातें जान सकते हैं। अगर मैं इस क्रीम के टेक्स्चर की बात करूँ, तो इसका जो टेक्स्चर है वो हल्का सा थिक है, क्योंकि नाइट क्रीम का जो टेक्सचर है वो हल्का सा थिक होना चाहिए, जिससे आपकी स्किन को इनफ मॉइस्चराइजेशन मिल सके, क्योंकि ये आपके फेस पे पूरी नाइट रहने वाला है। मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी स्किन टाइप जो है वो ऑयली है तो ये आपके फेस को ऑयली बना देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थिक से मेरा मतलब ये है कि नाइट क्रीम आपकी ऐसी होनी चाहिए जो आपके फेस को पूरे नाइट मॉइस्चराइज करके रखे। तो ये नाइट क्रीम भी वैसी ही है, जब आप इसे यूज़ कर लेंगे कुछ दिन, तो उसके बाद आपको अपने फेस में डिफरेंस नोटिस होगा कि हाँ ये वर्क कर रहा है या नहीं, क्योंकि ये पूरी रेंज स्पेशली लड़कों के लिए है, मेंस के लिए है, तो उनके स्किन के अकॉर्डिंग ही इसे बनाया गया है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, ये है AM यानी कि डे क्रीम, और ये है मॉइस्चराइजिंग मॉर्निंग फेशियल मॉइस्चराइजर विद SPF 20। तो इसमें आपको SPF 20 भी मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आपको सन से प्रोटेक्शन भी मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ इसे यूज़ करने की, या फिर इसमें इसकी सभी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई है, यहाँ पे आपको वार्निंग भी दी गई है कि आपको इसे क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि सभी प्रोडक्ट में ये बातें मेंशन की गई होती है कि अगर ये आपके फेस पे हल्की सी भी कोई भी प्रोडक्ट की वजह से अगर आपके फेस पे कोई इरिटेशन होती है, तो आप उस प्रोडक्ट को वहीं पे यूज़ करना बंद कर दीजिए। तो सेम इंस्ट्रक्शन इन सभी प्रोडक्ट पे भी मेंशन किया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर मैं बात करूँ इंग्रेडिएंट लिस्ट की, तो इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट भी ये देखिए यहाँ पे मेंशन की गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं इस क्रीम के टेक्सचर की, तो इसका जो टेक्सचर है वो नाइट क्रीम के कंपैरिजन में काफ़ी लाइट है। ऐसा नहीं है कि लिक्विड फॉर्म में है तो क्रीम फॉर्म में ही, लेकिन नाइट क्रीम का जो टेक्सचर है वो काफ़ी थिक है, उसके कंपैरिजन में ये उससे थिन है या उससे लाइट है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, और ये है सुपर सीरम। तो ये है सुपर सीरम AM या PM, आपको दोनों में इसे यूज़ करना है, फेशियल फॉर्मिंग सीरम। तो अगर मैं इस सीरम की बात करूँ, तो इसकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे मेंशन की गई है, आपको यूज़ कैसे करना है यहाँ पे मेंशन किया गया है, वार्निंग जो है या डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे दी गई है, सभी डिटेल्स पैकेजिंग पे मेंशन है। तो अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को लेकर कंफ्यूज होते हैं कि मुझे इसे यूज़ कैसे करना है, तो सभी चीज़ें इस पे मेंशन की गई हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी पैकेजिंग की, तो ये प्लास्टिक बॉटल है और ये पम्प पैकेजिंग के साथ आती है, ट्रैवलिंग के लिए परफेक्ट है, क्योंकि इसका जो लिड है वो टाइट है, मतलब कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इसे ट्रैवलिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। बात करूँ इस सीरम के टेक्सचर की, तो इसका जो टेक्सचर है वो लिक्विड फॉर्म में है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए लिक्विड नहीं है लेकिन काफ़ी रनी है, मतलब कि जो डे क्रीम है उससे भी लाइट वेट है सीरम। वैसे जो सीरम होता है वो काफ़ी लाइट वेट होता ही है, क्योंकि वो सीरम है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ सीरम को यूज़ करने की या सीरम के बेनिफिट्स की, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे उसके बेनिफिट्स आपके साथ शेयर करने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि हम सभी को पता है कि सीरम जो होता है वो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सीरम आप सभी को यूज़ करना चाहिए। सीरम के जो बेनिफिट हैं वो आपको पता है कि सीरम में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि आपके फेस पे फाइन लाइंस और रिंकल को आने से रोकते हैं। यहाँ पे ये जो आपकी आईज पफी हो जाती हैं या सिकुड़न आ जाती है, तो ये जो सभी प्रॉब्लम होती है और साथ ही साथ पिगमेंटेशन भी, तो इन सभी प्रॉब्लम को सीरम कंट्रोल करता है, रिमूव करता है, डिले करता है, जिसकी वजह से आपको सीरम ज़रूर यूज़ करना चाहिए। और वैसे भी ये सीरम डे और नाइट दोनों के लिए है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं अंडर आई क्रीम की, क्योंकि अगर आप अपने फेस का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, तो आपको अपनी आईज़ का भी ख्याल रखना होगा।
तो ये है आई क्रीम और ये भी एएम और पीएम के लिए है और इसका भी इसकी भी पैकेजिंग पंप पैकेजिंग में है। ट्रेवलिंग के लिए ये भी परफेक्ट है क्योंकि काफ़ी टाइट है, पैकेजिंग अच्छी है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करें इसे यूज़ करने की या डायरेक्शन की या इंग्रेडिएंट लिस्ट की, सभी डिटेल्स इसकी पैकेजिंग पे भी मेंशन किए गए हैं जो कि बहुत अच्छी बात है, आप इन्हें इजीली चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि वैसे तो ये अंडर आई क्रीम जो है आप उसे डे और नाइट दोनों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूँगी कि आप इसे नाइट में यूज़ करिए। वैसे भी गर्मियाँ हैं और अंडर आई क्रीम जो होती है उसका टेक्सचर जो होता है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है। इसका जो टेक्सचर है वो आपने नाइट क्रीम देखी, नाइट क्रीम का जो टेक्सचर है उससे थिक है और इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा थिक है। ये देखिए, इसका टेक्सचर बहुत थिक है, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इसे डे में यूज़ करें क्योंकि ये एक मॉइस्चराइजिंग क्रीम है तो मे बी आपकी आइज़ को हल्का सा ऑयली बना दे क्योंकि डे टाइम है, गर्मी ज़्यादा रहती है और ऊपर से अगर आपने कोई अंडर आई क्रीम की है, पसीना हुआ, तो वो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो इसलिए अगर आप इसे नाइट में यूज़ करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। का मतलब ये नहीं है कि आपको इसे यूज़ नहीं करना है, डे में यूज़ नहीं करना है ना सही, लेकिन आपको इसे नाइट में यूज़ ज़रूर करना है। इस अंडर आई क्रीम के बारे में एक बात मैं आपके साथ और शेयर करना चाह रही थी इस आई क्रीम के बारे में कि इसमें हल्की सी कूलिंग इफ़ेक्ट भी है क्योंकि अभी मैंने अपने हैंड पर अप्लाई किया तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ इसमें कूलिंग इफ़ेक्ट भी है जो कि बहुत अच्छी बात है। ये आपके आईज़ के रेडनेस को रिमूव करेगा, डार्क सर्कल को रिमूव करेगा, पफ़ी आईज़ को कंट्रोल करेगा, रिमूव करेगा, रिड्यूस करेगा और रिंकल और फाइन लाइंस को भी रिड्यूस करेगा जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर आप अपने पूरे फेस का ख्याल रख रहे हैं तो आपको अपनी आंखों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो आपने इस पूरे इंटायर रेंज का रिव्यू जो है वो देख लिया, पूरे स्किन केयर प्रोडक्ट का रिव्यू देख लिया। अब कुछ एडिशनल बातें कर लेते हैं। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोचेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट रियल में वर्क करते हैं, तो हाँ ये प्रोडक्ट रियल में वर्क करते हैं क्योंकि ये स्पेशली मेंस के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, उसकी उनकी स्किन के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किए गए हैं तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप चाहें तो इनके ऑनलाइन रिव्यूज़ भी चेक कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों ने रिव्यू भी शेयर किया है क्योंकि ये रियल में वर्क करते हैं। फ़िलहाल मैंने अभी तक जितने भी प्रोडक्ट देखे हैं उनमें मुझे ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अच्छे लगे हैं किसी भी मेंस के लिए क्योंकि ये वर्क करते हैं और साथ ही साथ मेंस की जो स्किन होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, आपको पता ही होगा कि कैसा है क्या है, तो उनकी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, टैन रिमूव करता है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, साथ ही साथ स्किन को हल्का सा ग्लो भी देता है जो कि बहुत अच्छी बात है। और फिलहाल अगर आप अपना स्किन केयर रूटीन बनाना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो ये पूरी रेंज जो है वो बहुत अच्छी है, आप चाहें तो आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं फाइनल वर्ड की बात करूँ तो फाइनल वर्ड यही है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, आप चाहें तो आप इन्हें ईजिली ट्राई कर सकते हैं या अगर आप चाहें तो आप, मैं गर्ल्स की बात कर रही हूँ, आप अपने भाई को, हस्बैंड को, किसी को भी गिफ्ट कर सकती हैं क्योंकि ये रेंज बहुत अच्छी है। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, हो गया ये रिव्यू आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।